स्कूली छात्रों के लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था बनाने शिक्षा विभाग से लेकर जिला प्रशासन को कई पहल करते देखा है, लेकिन सूरजपुर जिले के पुलिस विभाग ने पुलिस परिवार के छात्रों को अच्छी शिक्षा देने की पहल की है, जिसे लेकर जिले के छात्रों में काफी उत्साह है। पेश है एक रिपोर्ट। जिले के पुलिस परिवार के छात्रों को रूटीन ऑनलाइन क्लासेस नामी शिक्षकों के द्वारा दिया जा रहा है, जहां पुलिस सूरजपुर जिले में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को लेकर आए दिन सवाल खड़े होते रहते हैं और अभिभावक छात्रों की प्राथमिक शिक्षा के लिए भी दूसरे जिलों का सहारा लेते नजर आते हैं। ऐसे में दिन रात अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते पुलिस अधिकारी कर्मचारी तो अपने बच्चों को समय भी नहीं दे पाते और पुलिस परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा और मोटिवेशनल तरीके से देने के लिए हर पुलिसकर्मी चिंतित नजर आता है। ऐसे में जिले की पुलिस अधीक्षक ने पुलिस परिवार के बच्चों के लिए एक नई पहल करते हुए अग्रसर कार्यक्रम की शुरुआत की है, जहां पुलिस परिवार के बच्चे स्कूली शिक्षा के बाद रोजगार ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और जिले के नामचीन शिक्षक निस्वार्थ भाव से इन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, जहां सभी विषयों के प्रश्नों के उत्तर से रूबरू हो रहे हैं। तो वहीं शिक्षकों के साथ जिले के अधिकारी और देश के कई नामचीन हस्ती इन बच्चों को मोटिवेशनल क्लास भी दे रहे हैं, जिससे बच्चे बेहद खुश हैं। एक्सपीरियंस टीचर्स आते हैं जो हमारे डाउट्स को क्लियर करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हम पुलिस के बच्चे हैं तो हमारे माता पिता हमारे ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं जितना बाकी पेरेंट्स दे पाते हैं, तो हम यहाँ इस कक्षाओं को ज्वाइन करके हम अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं तो बहुत ही ज़्यादा मदद होता है, और जैसे कि हम बच्चे अपने डाउट क्लियर को करने के बाद बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी है वो सारे बच्चों को ग्रैब करनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा मौका कहीं मिलती हुआ आता है क्लास सेवन के लिए, उसके अकॉर्डिंगली सारे क्लास करते हैं। अभी तो बिल्कुल नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छी पढ़ाई दी जा रही है। एक और जब पुलिसकर्मी जैसे अभिभावक अपने बच्चों के साथ समय नहीं दे पाते, ऐसे में बच्चों के उज्जवल भविष्य की चिंता बनी रहती है, लेकिन एसपी भावना गुप्ता की अग्रसर कार्यक्रम अब बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर शिक्षा को अग्रसर कर रहा है, जहां जिले के 100 से ज्यादा निजी और शासकीय स्कूल के शिक्षक निस्वार्थ भाव से स्कूल के बाद जिले के 450 से ज्यादा पुलिस परिवार के बच्चों को ऑनलाइन क्लास देकर उनके विषय संबंधित डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। तो वहीं बिहार से नामचीन सुपर 30 कोचिंग क्लास के संस्थापक आनंद कुमार भी जिले के बच्चों को मोटिवेट करते नजर आए। ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, एसपी मैडम का एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, समझ लीजिए। क्या होता है कई बार बच्चे पुलिस विभाग के थोड़े से इग्नोर से भी हो जाते हैं, और जो बच्चे रहते हैं उनको मालूम तो रहता है कि हमें कैसे नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन जो पुलिस विभाग ने ये कदम उठाया बहुत अच्छा उठाया है, और हम शिक्षा विभाग वाले भी इसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। हम सारे शिक्षक दे रहे हैं, हम अपने स्कूल की क्लासेस के बाद में उनको देते हैं क्लासेस, और जो भी उनके प्रॉब्लम है हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। पर बच्चों क्या है कि अपनी स्कूल के टाइम के बाद भी हम पर टाइम दे रहे हैं, तो कई बार जुड़ पाते हैं, कई बार नहीं भी जुड़ पाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम उनको अच्छे से अच्छा दे सकें। निश्चित एक नया मार्ग खुल रहा है, हर चीज़ हम पैसे से नहीं जोड़ के दे सकते ना, एक सेवा भी कोई चीज़ होती है। और मैं सोचती हूँ कि टीचर जो है वो होते हैं, ऐसा मैं नहीं बोलती कि प्रोफेशनल होते हैं, ट्यूशन से जुड़े होते हैं, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे भी होते हैं निस्वार्थ सेवा करना चाहते हैं, तो हम वैसे ही चाह रहे हैं कि वही गिव एंड टेक वाला है, हम दुआ कमाने में विश्वास रखते हैं, और बस ये है कि बस पुलिस विभाग के बच्चे कुछ आगे बढ़ें, हम उनके लिए कुछ कर सकें, क्योंकि वो दिन रात हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं। अगर हमने उनको एक घंटा दे भी दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सूरजपुर जिले में बीते 15 दिनों से अग्रसर कार्यक्रम के तहत पुलिस परिवार के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। ऐसे में 14 नवंबर को इन बच्चों और शिक्षकों को बाल दिवस के अवसर पर सम्मानित कर प्रोत्साहित किया गया और अग्रसर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया, जहां पुलिस अधीक्षक ने सभी शिक्षकों का धन्यवाद देते हुए छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी और आने वाले दिनों में पुलिस परिवार के छात्रों के साथ जिले के जरूरतमंद बच्चों को भी अग्रसर कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन क्लास दिए जाने की बात करते नजर आए। पुलिस द्वारा अग्रसर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, इसके पीछे सोच है कि हमारे जो पुलिस परिवार हैं और उनके जो बच्चे हैं उनके लिए ये पहल की गई है, जिसके माध्यम
माध्यम से पुलिस परिवार के बच्चों को हमारे यहाँ के शिक्षकों के साथ ऑनलाइन माध्यम से जोड़ा गया है, जो उनकी शिक्षा में उनकी मदद करेंगे और रेगुलर रूपे में उनकी क्लासेस लेंगे। इसी के साथ में जो हमारे देश के उन्नत सक्सेसफुल विशिष्ट व्यक्तियाँ हैं, उन सभी को मोटिवेशनल लेक्चर्स के लिए हम पुलिस परिवारों के साथ आने वाले दिनों में जोड़ेंगे। प्रीवियसली श्री आनंद कुमार जो सुपर 30 के संचालक हैं, वो भी बच्चों से जुड़े थे और हम चाहते हैं कि सभी पुलिस परिवार के बच्चे, उनका भविष्य उन्नत हो, उनको प्रेरणा मिले और जैसा कि इस कार्यक्रम का नाम है अग्रसर, वो उन्नति के पथ पर अग्रसर हो। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आपके माध्यम से कि हमारे जिला सूरजपुर के लगभग 100 से अधिक शिक्षक हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और अभी तक 450 पुलिस परिवार के बच्चे जुड़ चुके हैं। इसी के साथ में कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो भी, जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया है, तो ऐसे जरूरतमंद बच्चों को भी आने वाले दिनों में इस कार्यक्रम से जोड़ेंगे। दिन रात ड्यूटी करते पुलिस अधिकारी कर्मचारी के छात्रों को मोटिवेट करने और अच्छी शिक्षा के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम अग्रसर आने वाले दिनों में निश्चित ही बच्चों के भविष्य को अग्रसर करने में मील का पत्थर साबित होगा। सूरजपुर से हिंदुस्तान पथ की रिपोर्ट।